नमस्कार, एक्सोटिक वेबिनिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सैटरडे है, हर सैटरडे एस्ट्रोलॉजी सीरीज में हमारे साथ है वेल नोन एस्ट्रोलॉजर गुरुजी किरण भाई ठक्कर। किरण जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों के माफी चाहती हूँ, क्योंकि हमने दो एपिसोड मिस किए हैं। वो भी रीजन था कि गणपति महोत्सव था, गणपति का उत्सव था, तो हमने दो सैटरडे मिस किया है। लेकिन आज फिर से आपके साथ आए हैं, और जो भी लोगों ने हमें क्वेश्चंस किए हैं वो आज हम लेंगे। और जिनको भी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना है, आपके बारे में जानना है, आपके भविष्य के बारे में जानना है, तो आपको सिर्फ हमें भेजना है आपका बर्थ डेट, आपका बर्थ प्लेस, आपका नाम और आपका सिटी का नाम आप हमें भेजिए, और साथ में आपके दो क्वेश्चंस हमें भेजिएगा। तो ज़रूर हम यहाँ से आपकी लाइव जन्माक्षर जो होंगे उसका यहाँ से प्रिडिक्शन गुरुजी करेंगे। तो अभी तक के काफ़ी सारे गुरुजी, जिन जिन लोगों ने हमें क्वेश्चंस पूछा था और जिन जिन लोगों को हमने बताया है, आपने जिन लोगों को सजेशन किया है, उनमें से दो तीन लोगों के मुझे फीडबैक आए थे कि गुरुजी ने जो कहा था वो एकदम हमारे बारे में जो बोला है वो एकदम सही बोला था। तो ऐसे ही अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल अभी की जो माहौल है उसके में काफ़ी लोगों के दिमागी हालत ठीक नहीं है, काफ़ी लोग परेशान हैं कि हम अभी क्या करें। सबसे ज़्यादा दिक्कत मिडिल क्लास फैमिली को हो रही है और उनको यही प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, काफ़ी लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी लोगों को एजुकेशन फील्ड में भी प्रॉब्लम हुई है। तो इन सबको कैसे, इन समस्याओं के हम समाधान करें, कैसे इस समस्या से हम बाहर आए, तो इसके लिए हमने ये गुरुजी को यहाँ पे बुलाया है। और गुरुजी यहाँ से लाइव अपनी जन्माक्षर जो है आपके उनका प्रिडिक्शन करते हैं, और साथ साथ में हम एस्ट्रोलॉजी भी गुरुजी सिखाते हैं। अभी तक काफ़ी हमने गुरुजी ने सिखा दिया है, तो आज भी कुछ ना कुछ तो गुरुजी सिखाएंगे। तो जो भी सीखना चाहता है वो नोट और पेन लेके बैठ जाएंगे, ताकि ये लाइव जो कुंडली का प्रिडिक्शन होगा वो खत्म हो जाए, उसके बाद में हम ये एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाएंगे। तो गुरुजी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, और हमने दो एपिसोड्स मिस किए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले माफी चाहता हूँ, दो एपिसोड से आपके साथ में जुड़ नहीं पाए जी, और इसके लिए माफी चाहता हूँ। हमारे जो आराध्य देव है गणपति, वो घर पे पधारे थे, उनकी सेवा और उनकी भक्ति में समय नहीं मिला, तो आपके साथ में जुड़ नहीं पाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। दूसरा, काफी लोगों के फीडबैक भी आए, काफी लोगों के फोन भी आए हैं, तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में हर एक के बारे में थोड़ा और भी ज्यादा बताएंगे, ये चीज आज से ऐड कर रहे हैं जी, और भी कुछ नया लेंगे जो लोगों को समस्या से सही मायने में रिजल्ट मिल पाए, इसके लिए कुछ नया नया ऐड करते रहेंगे, जिससे हर एक की समस्या का समाधान निकल जाए। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि आपने जो बताया सही है, लेकिन थोड़ा और बताइए, तो उसके लिए थोड़ा और भी लेंगे। कुंडली कम लेंगे, जैसे 10-15 ले रहे थे तो 4-5 ले सकते, 3-4 ले सकते, लेकिन उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग में बताएंगे हम। बिल्कुल, और चर्चा करेंगे जिससे हर एक को संतोष मिले, हर एक की जीवन की तकलीफ का संतोष मिले, वही चीज हम अभी करेंगे जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी, कुंडली हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मीता जी ने हमें भेजा है, उनका बर्थ डेट है 28 मार्च 1978, और उनका बर्थ समय है 28 मार्च 1978, और उनका जो समय है 17:40, और उनका बर्थ प्लेस केशोद है, शाम को 5:40 केशोद जी। ठीक है, इनकी सिंह लग्न कुंडली आ रही है, लग्न स्थान का मालिक अष्टम स्थान में है, तो
तो इनको डिप्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा जी। दूसरा लग्नेश राहु की पकड़ में है, जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम इनके लिए ज्यादा रहेगा, मानसिक त्रास इनके लिए काफी रहेगा। ये दुनिया में हर एक का काम करते फिर भी इनको जो मान सम्मान इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, वही चीज इनके लिए हमेशा दिक्कत में रहेगी। इनका वृश्चिक राशि का चंद्र है, अभी चंद्र चल रहा है मीन राशि में, रेवती नक्षत्र में, ठीक है, वृश्चिक का चंद्र, और अभी इनके दिमाग में उनके बच्चों के बारे में प्रश्न चल रहा है, जो उनके बच्चों के साथ में रिलेटेड उनके बारे में अभी प्रश्न इनके चल रहे हैं। ये इनकी गोचर की ग्रह दशा के हिसाब से दिख रहा है जी। ठीक है, उनका कोई प्रश्न पर्टिकुलर नहीं, कोई प्रश्न उन्होंने नहीं भेजा है, बस इनकी कुंडली के मुताबिक इनका लग्नेश अष्टम में है, जो शारीरिक और मानसिक दिक्कत उनको कर रहा है, उनकी बॉडी में कैल्शियम कम दिखा रहा है और हड्डियों में जो कैल्शियम होना चाहिए वो कम कर दिखा रहा है जी। और हीमोग्लोबिन की उनकी प्रॉब्लम है, जिससे काम करते वक्त एक थकावट ज्यादा महसूस करती है, सर भारीपन रहता है, सर में दर्द रहता है, तो इनको हल्दी और शहद रोज रात को ही लेना है, एक चम्मच हल्दी और शहद, जिससे इनका हीमोग्लोबिन मेंटेन होगा जी। और कैल्शियम के लिए उनको गुड़ और घी डेली खाना है, खाने के साथ में, जिससे इनके बॉडी का कैल्शियम थोड़ा मेंटेन हो जाएगा, और जितना ज्यादा हो सके गणपति मंत्र और सूर्य उपासना पे ये ध्यान दे, जिससे इनके जो प्रश्न है काफी समाधान रहेगा। ये खास उनको बोला जा रहा है कि सूर्य मंत्र और गणपति उपासना करें, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक अगर बली होगा और लग्नेश बली होगा तो इनकी कुंडली का पावर बढ़ेगा और उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गणपति मंत्र और सूर्य मंत्र का उनको दीजिए, शारीरिक जो तकलीफ है उसके लिए हल्दी और शहद लेवे और गुड़ खावे, उससे उनको काफी अच्छा फिजिकली प्रॉब्लम में राहत मिलेगी जी। हाँ, इनका दिमाग भी थोड़ा गर्म है, बोलने में थोड़े से ज्यादा वर्ड्स यूज करते तो वो बोलना भी थोड़ा कम कर देवे, बिल्कुल ये उनको बोला जाए। अमिता जी, आपके बारे में गुरु जी ने जो बताया है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, और जो भी आपको कहा है उस वो आप फॉलो करिएगा। और एक बात बताना चाहती हूँ दर्शक मित्र की, यहाँ से जो भी कहा जाता है और जो भी ज्यादा, अगर आपको ज्यादा जानकारी भी आपको आपके बारे में जाननी है तो आप डायरेक्ट गुरु जी का संपर्क भी कर सकते हैं। और एक बात ये है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री सेवाएं गुरु जी के द्वारा दी जाती है। तो ये मैं बहुत ध्यान से आप सुनिएगा ये मैं बात बता रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को ऐसे प्रश्न है मन में कि क्या, कभी मुझे फोन आता है तो बोलते हैं गुरु जी क्या चार्ज लेते हैं, तो गुरु जी एक भी रुपए का चार्ज नहीं लेते हैं और बिना चार्ज लिए ही आपको आपके बारे में बताते हैं। तो ये जो एक मिस्टर कोई ठक्कर है उनकी है 26 अगस्त 1974 उनका बर्थ डेट है, और 12 कौन सी डेट कौन सी बोली 26 अगस्त 1974 और 12:40 रात का उनका जन्म समय है, मुंबई कांदिवली में है उनका बर्थ प्लेस। इनका फिजिकल प्रॉब्लम थोड़ा रहेगा, क्योंकि जन्म लग्न है चंद्र के नक्षत्र में, चंद्र नीचे राशि में होके राहु के साथ में है, तो इनको फिजिकल प्रॉब्लम थोड़ा रहेगा, ठीक है। दूसरा मानसिक डिप्रेशन थोड़ा उनको ज्यादा रहेगा, इनके लिए मानसिक डिप्रेशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनका जो जन्म लग्न का चंद्र है वो राहु की पकड़ में है, जो मानसिक डिप्रेशन उनको देगा, ठीक है। उनका कोई पर्टिकुलर प्रश्न नहीं, उनका कोई प्रश्न नहीं है, बस उन्होंने सिर्फ उनका इतना ही डिटेल्स भेजा है उनके बारे में, उनको बेसिक जानकारी, उनको बेसिक जानकारी में उनका टेक्निकल नॉलेज बहुत बढ़िया है, तो ये चीज पे वो ध्यान देवे, टेक्निकल नॉलेज का काम वो कर सकते हैं, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन बॉडी उनका जो साथ देना चाहिए वो कम देगा, आगे चल के तबियत में थोड़ा दिक्कत रहेगा, ये खास ध्यान रखे, वही चीज है और तो ज्यादा कुछ है नहीं उनके लिए जी। बस बॉडी पे थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि फिजिकल हाँ योगा करे उससे उनको काफी राहत रहेगी जी।
ये चीज उनको बताई जाए। जी तो ये बीसर ठक्कर जी आपका भी, आपको जो गुरु जी ने बताया है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है चिंतन चौहान जिनका बर्थ डेट है 23 अक्टूबर 1999, उनका जन्म समय है 2250 और जन्म स्थान उनका है सूरत। तारीख 23/10/1999 2250 सूरत जी। उनका जन्म लग्न का मालिक है मिथुन लग्न आ रहा है, जन्म लग्न का मालिक है बुध। ये जो भी काम करते हैं वो काम में उनको जो फल मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, ये काम करो उसका फायदा उनका जो विरोधी है वो ज्यादा ले जाते हैं, ये इनकी कुंडली बता रही है जी। इनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो एफर्ट दे रहे, जैसे बोलते हैं ना 100 रुपये का काम किया 40-50 रुपये लेके घर पे आता है बच्चा, ये चीज इनकी कुंडली में खास दिखाई देती है। उसी के कारण थोड़ा डिप्रेशन भी रहता है, फिजिकल अवस्था में भी थोड़ी दिक्कत रहेगी, काम करने से थोड़ा डिप्रेस भी हो जाएगा क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता तो इंसान क्या करेगा। बिल्कुल, तो वही चीज इनके लिए काफी दिक्कत है और उसी के कारण थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है और बोलना भी थोड़ा गुस्से में हो जाता है, ये चीज इनके लिए काफी समझने की जरूरत है। इनका कोई स्पेसिफिक प्रश्न तो नहीं है लेकिन वो आगे चंद्र से चंद्र का पासिंग है, ये खुद की प्रगति के बारे में ही सोच रहे हैं कि मैं इतना काम करता हूँ फिर भी मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा, यही चीज इनके दिमाग में अभी चल रही है जी। आज की तारीख में ये खुद की चंद्र से चंद्र की पासिंग है और बुध के नक्षत्र में है, एक ही बात ये सोच रहे है कि इतना दिमाग चलाने से इतना काम करने के कारण भी मेरी जो प्रगति होनी चाहिए, मुझे जो फल मिलना चाहिए सुख शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, ये चीज इनके दिमाग में अभी चल रही है जी। ठीक है, कौन से क्षेत्र में वो आगे बढ़े तो शायद वो टेक्निकली बहुत साउंड है ये इंसान, टेक्निकली सभी सूर्य को देख रहा है ये इंसान, इनोसेंट भी काफी है, ऐसा भी नहीं इनके अंदर छल कपट है, इनोसेंट भी है, टेक्निकल भी साउंड है, लेकिन लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लोग इसका मिसयूज, जैसे बोलते हैं ना कि भाई यूज करके फेंक देना, यूज एंड थ्रो, ये चीज उनको हमेशा, ये चीज हमेशा उनको कटेगी, मतलब ये चीज इनके साथ हमेशा होती रहेगी। तो अगर वो दो ही चीज है इनके लिए, इनके लिए इनका इष्टदेव ठाकुर जी है, वो जितना ज्यादा हो सके ठाकुर जी के मंत्र करे, श्री कृष्ण शरणम्मा में इनको मंत्र दिया जावे जितना ज्यादा हो सके, जिससे वो मेंटली भी पावरफुल हो गए, उनका विल पावर भी काफी कम हो जाता है क्योंकि काम करने के कारण जो रिजल्ट नहीं मिलता तो मेंटली वो डिप्रेस हो जाता है, मेंटली आत्मविश्वास कम हो जाता है, तो इनको ठाकुर जी का मंत्र दिया जाए जिससे मेंटली और फिजिकली ये काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, और एक काढ़ा इनको देना है, जो तुलसी के पत्ते का काढ़ा उनको दे दीजिएगा जो हम लिखवा देंगे आपको जी। बिल्कुल, तुलसी के पत्ते का काढ़ा जो उनका आगे चल के फिजिकल अवस्था में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि लग्न छठे स्थान में वो आगे चल के फिजिकल अवस्था में थोड़ी दिक्कत करेगा उनके लिए जी जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करेगा, पाचन क्रिया मंद करेगा, ये सब चीज उनके लिए काफी दिक्कत में वाली है, तो वो चीज नहीं होगा इसके लिए काढ़ा लिखवा जाएगा वो लिखवा दीजिए। निरंतर गाय माता को गुड़ और हरी घास खिलावे जिससे इनका जो काम करते हैं वो हिसाब से उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि लग्नेश की अवस्था काफी खराब है, जो उनका यूज एंड थ्रो हो रहा है, जो उनको फल मिलना चाहिए वो कम मिल रहा है, इतना अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी इनका जो प्रॉफिटेबल काम होना चाहिए वो कम हो रहा है जी, जी, जी। इसी के कारण इनको बोला जाए ठाकुर जी को बजे गाय माता को निरंतर खिलावे जी। चिंतन जी आपने भी सुन लिया होगा और जैसे ही गुरु जी ने आपको बताया है वैसे ही आप उस पर ध्यान दीजिएगा, जरूर आपको इसका बेनिफिट रहेगा और तुरंत ही अगर आप ये सही तरह से आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको उसका फायदा भी बहुत जल्द मिल सकता है। तो गुरु जी आज के लिए हम इतनी ही कुंडलियाँ हम करते हैं क्योंकि हमें आज एस्ट्रोलॉजी भी सिखानी है, थोड़ा सा ग्रहों के बारे में भी आज बताना है जी। तो आप थोड़ा सा ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो जरूर बताइए जी, 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 जी। हमने आज तक राशियों के बारे में बताया जी, 12 राशियां
उनका आधिपत्य देव के बारे में अभी हम बताएंगे। अभी हर एक राशि का एक अधिपति देव नक्की किया गया है, उसमें मेष राशि जो है उसका अधिपति देव मंगल को बनाया गया है। जैसे मंगल है उसको दो राशि दी गई है, मेष राशि और वृश्चिक राशि का अधिपति देव मंगल को बनाया गया है, ठीक है। वृषभ राशि है उसका अधिपति देव शुक्र को बनाया गया है। जैसे शुक्र देव है उसको दो अधिपति देव बनाया गया है दो राशि का, जैसे वृषभ राशि और तुला राशि का देव शुक्र को बनाया गया है। मिथुन राशि का अधिपति देव बुध है, वैसे ही बुध को दूसरी एक राशि भी दी गई है। मिथुन के साथ में कन्या राशि का भी अधिपति देव बुध ही होता है। कर्क राशि है उसका अधिपति देव चंद्रदेव है, चंद्रदेव एक ही राशि का अधिपति देव माना गया है। सूर्य और चंद्र दो देव ऐसे है जिसको एक ही राशि के अधिपति बनाया गया है। चंद्र को कर्क राशि दी गई है तो सूर्य देव को सिंह राशि का मालिक बनाया गया है। कन्या राशि का आ गया, तुला राशि का शुक्र आ गया, वृश्चिक राशि का मंगल आ गया। धनु राशि है, धनु राशि का अधिपति देव दो गुरु को बनाया गया है। यहाँ पे भी गुरु को दो राशि का मालिक बनाया गया है, गुरु को एक धनु राशि और मीन राशि का मालिक बनाया गया है। वैसे ही मकर राशि को भी शनि का अधिपति बनाया गया है, शनि को भी दो राशि का अधिपति मिलता है, एक मकर राशि और कुंभ राशि का अधिपति देव शनि है। तो ये देखा जाए तो सूर्य और चंद्र को एक एक राशि दी गई है, बाकी सारे ग्रह को दो दो राशि का अधिपति बनाया गया है, ये खास ध्यान रखिए। दूसरा, जो भी ग्रह खुद की राशि में बैठता है वो स्वगुरु ही बोला जाता है, मतलब वो खुद के घर में बैठ के अच्छा फल देता है। लेकिन वही ग्रह को अगर किसी अच्छा पावर मिल जाए जिसको हम उच्च राशि का बोल रहे हैं, वहां पे वो ज्यादा अच्छा फल देता है। वैसे ही कोई ग्रह को कम फल देना है तो उसको नीच राशि में डाला जाता है, तो नीच राशि का फल कम मिलता है। जैसे आप अपने खुद के घर में बैठे हैं और खुद के घर में आप जैसा वर्ताव कर रहे हैं वही ग्रह खुद के घर में बैठ के काम देता है, फल अच्छा देता है एक राजा की तरह। लेकिन अगर आपको खुद के घर के सिवा पूरे टाउन का आपको मालिक बनाया जाए, जैसे मेयर बना जाए, कमिश्नर कलेक्टर बना जावे, तो ये पूरे आपको सिटी का अगर अधिपति देव बना जावे तो वो हमारे ग्रह हिसाब से उच्च राशि का ग्रह बोलते हैं, जिसको खुद की जो कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा पावर मिलती है तो वो उच्च राशि का बोला जाता है, वो काफी पावरफुल होता है। वैसे ही अगर उसको खुद के ही घर में मान सम्मान नहीं मिलता है तो वो ग्रह नीच राशि में होता है। उसका फल खत्म आगे चल के कैसे करना है, क्या हिसाब से उसका रिजल्ट मिलेगा, वो सब आगे बताएंगे। लेकिन एक बेसिक चीज है कि राशि के अधिपति देव कहाँ पे वो उच्च राशि में होते हैं, वो सब हम आगे धीरे धीरे बताएंगे। अभी तो हमने खाली उसका अधिपति देव ही बताया, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कितने उस पे उच्च का होता है, उसमें एक और भी है मूल त्रिकोण भी होता है जी। कोई भी ग्रह फल देता है उसमें स्वगुरु भी होता है, मूल त्रिकोण भी होता है और उच्च का होता है, ये तीन लेवल पे वो अच्छा फल देता है। लेकिन नीच राशि में वो खराब फल देता है, कब खराब फल देगा कब अच्छा फल देगा उसका पूरा विवरण हम आगे बताएंगे जी। तो मतलब आज के लिए एस्ट्रोलॉजी सिखाना जो था वो यही आज यही तक जी। अभी आज के लिए राशि और राशि के लिए अधिपति देव बताया गया है जी, और आगे उच्च राशि नीच राशि मूल त्रिकोण राशि ये सब हम आगे बताएंगे जी। तो एस्ट्रोलॉजी भी हमने सिखा दी जो गुरु जी ने बताया कि नेक्स्ट एपिसोड में हम ये सिखाने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो जरूर ये एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल का जो फेसबुक पेज है उसको आप जरूर फॉलो करिएगा और लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे साथ आप इजीली आप जुड़ सके और आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान आप ले सके। तो यही था आज का हमारा एपिसोड, हम यहाँ पे शायद फिनिश करते हैं। लेकिन उससे पहले जाने से पहले आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम आभारी हैं हमारे चैनल की जो जनता है जो दर्शक है
वो उन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी सीरीज को बहुत ही मतलब सराहनीय हमें ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाया है और लोगों ने बहुत प्रशंसा की है, तो इसके लिए भी मैं सबकी आभारी हूँ। और ऐसे ही नेक्स्ट सैटरडे को हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय गणेश। जय गणेश।